आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की, यानी यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर आप कोई भी खास तौर से उत्तर प्रदेश लेवल का कोई जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। साथ साथ अगर हम लोग कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो ऐतिहासिक घटनाएं हों, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ये उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में आपको उत्तर प्रदेश विशेष से मिलेंगे। तो आइए इसी को हम लोग अलग अलग इसके पहलुओं पर बात करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसे हम लोग 2-3 वीडियोस में अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप का जान लेते हैं क्या। तो सबसे पहले देखें कि उत्तर प्रदेश की हम लोग ज्योग्राफिकली लोकेशन, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति, अगर हम लोग इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो ये भारत के उत्तर भाग में है। अब रही बात आखिर इसके आसपास कौन है, कौन से राज्य हैं, किससे लगता है, किससे नहीं लगता है, इन सारी बातों को। तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात इंडिया के परिप्रेक्ष्य में करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। बात अब क्षेत्रफल की अगर करें तो क्षेत्रफल में यह चौथा बड़ा राज्य है, यानी कि जनसंख्या में पहला और क्षेत्रफल में चौथा स्थान आता है इसका, यूपी का। अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी है वो 7.33% है, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 7.33% है। और बात अगर आबादी की करें तो आबादी में तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है ही। अगर हम उत्तर प्रदेश की आबादी को और देशों से कंपेयर करें तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हो। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश की इस क्षेत्रफल में रैंक, और ये हो गई जनसंख्या में, और ये क्षेत्रफल में रैंक हो गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है। तो जैसा कि अभी पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भारत के उत्तरी हिस्से में है। अब अगर हम लोग इसके पड़ोस में देखें क्या क्या है, तो पड़ोस में यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर में देखेंगे तो इससे सटा हुआ नेपाल है, ये दिख रहा होगा, यानी यहां से लेके और यहां तक ये पूरा। बात पूर्वी हिस्से की करें तो पूरब में उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है बिहार। बात दक्षिण हिस्से की करें तो इससे पड़ता है पूरा मध्य प्रदेश। अब इस हिस्से को देखें, अगर ये अगर पूरब कहा जाएगा यानी ईस्ट, तो ये साउथ कहा जाएगा, तो ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट होगा यानी दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश का है वो दो राज्यों से लगता है, एक झारखंड से और दूसरा छत्तीसगढ़ से, यानी पूरब में बिहार, उत्तर में नेपाल, दक्षिण पूरब में झारखंड और छत्तीसगढ़, दक्षिण में मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं इस वाले हिस्से की, यानी अगर हम लोग पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है राजस्थान, हरियाणा, और यहीं पर दिल्ली भी है। और उत्तर में देखेंगे तो उत्तराखंड, यानी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन अगर देखी जाए ये होगी,
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि आखिर उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा शेयर कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक तो उत्तराखंड से सीमा शेयर कर रहा है, एक हिमाचल प्रदेश से, एक हरियाणा से, दिल्ली से, ये यूनियन टेरिटरी है, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। तो राज्य कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8 और बिहार 9। 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा शेयर करते हैं, अगर इसमें हम यूनियन टेरिटरी दिल्ली को शामिल कर लें। और एक जो है वो देश जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो है नेपाल। तो याद रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर सीमा किसी भी राज्य की लगती है पड़ोसी राज्यों से, तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमा टोटल अगर दिल्ली को शामिल कर लिया जाए जो संघ शासित प्रदेश है, तो ये 9 राज्य हो जाएंगे। उसके बाद अगर अब हम लोग सीमा के बाद अंदर के हिस्से को देखें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में आपको इसकी अगर हम लोग भौगोलिक यानी इसकी अगर हम लोग प्राकृतिक सीमा की बात कर लें, ये तो हम लोगों ने राजनीतिक सीमा की बात करी, अगर हम लोग इसकी प्राकृतिक सीमा की बात करें, तो इसकी पूर्वी सीमा पर गंडक बहती है। यानी पूर्वी सीमा कौन बनाएगी, गंडक नदी। पश्चिमी सीमा पर देखेंगे ये यमुना बहती है, ये ऐसे। उत्तरी सीमा की बात कर लें तो ये शिवालिक माउंटेन है, यानी उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत, पूर्वी सीमा गंडक, पश्चिमी सीमा यमुना। बात करें आप दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा इसकी जो शेयर करती है वो यानी कुछ हिस्से में यमुना भी रहती है और बाकी जो है विंध्याचल पर्वत। यानी कि दक्षिण और पश्चिम दक्षिणी सीमा यानी दक्षिणी पश्चिमी सीमा यमुना, दक्षिणी सीमा विंध्याचल, पूर्वी सीमा गंडक, उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत, ये इसकी यानी प्राकृतिक सीमा हो गई। और राजनीतिक सीमा भी हम लोगों ने इसकी जान ही लिए थे। अब इसके अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के इसके भौगोलिक यानी फिजिकल फीचर को देखें, तो फिजिकल फीचर को उत्तर प्रदेश के देखेंगे, तो ये जितना भी आपको ब्लू कलर से डॉट लग रहा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है तराई क्षेत्र, और जितना ये वाला हिस्सा जो लाल डॉट डॉट दिख रहा है, ये कहलाता है आपका पठारी क्षेत्र। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, जो नेपाल से सटा हुआ है, ये तराई क्षेत्र। नीचे वाला यानी दक्षिणी जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है, वो है आपका पठारी क्षेत्र। अगर हम लोग इस पूरे उत्तर प्रदेश को इन दो इसको पठार को छोड़ दें, तो इसमें सब में जो मिट्टी मिलेगी वो एलोवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी होगी। यानी उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी सिर्फ पठारी भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, तो ये जिसको अभी हम लोगों ने तराई बोला था, ये आखिर है क्या? तराई का वो एरिया यानी तराई से अगर हम लोग ऊपर इधर थोड़ा सा और उत्तर में जाएंगे, तो यहां पर एक पड़ता है भाभर बेल्ट, भाभर, और ऊपर इधर जाएंगे तो ये सब हिमालय है। अब देखो, जब हिमालय से नदियां निकल के आती हैं, तो उनमें बहाव ज्यादा, ढलान ज़्यादा होता है, तो उसमें पानी का फोर्स ज़्यादा होगा, तो नदियाँ अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बहा ले आती हैं, और पत्थर तब तक वो पानी में बहते रहेंगे जब तक कि पानी में फोर्स ज़्यादा है। जैसे ही ढलान कम होगा, तो पत्थर क्या हो जाएंगे, जो बड़े बड़े वो छूट जाएंगे। तो ये बड़े बड़े पत्थरों के एक बेल्ट पाई जाती है इसे नेपाल से, तो इसी को हम लोग भाभर बोलते हैं।
भाभर का मतलब एक समझ लीजिए आप, एक बजरी का ढेर। अब अगर इस बजरी के ढेर में अगर आप पानी डालेंगे तो पानी तो गायब हो जाएगा, यानी पानी नीचे चला जाएगा। इसीलिए इस भाभर एरिया में नदियां गायब हो जाती हैं, यानी बहती तो हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। लेकिन जब भाभर बेल्ट को पार करके यानी दक्षिण की ओर आती हैं, यानी वो कह सकते हैं कि बजरी नीचे नीचे पानी बह रहा है, तो ये नदियां दोबारा फिर से धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, यानी दोबारा दिखने लगती हैं। यहां पर एरिया समतल है, पानी फैलेगा, पानी फैलेगा यानी यहां पर जलभराव की समस्या रहेगी, इसलिए वो हो गए तर से तराई। अब इस यानी नेपाल से सटा हुआ जो पूरा एरिया, अब यहां पर जलभराव की समस्या ज्यादा रहती है, इसीलिए यहां पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं। और जब मच्छर ज्यादा पनपेंगे तो मलेरिया भी बनेगा, और साथ में जापानी बुखार, जैसे अभी बिहार में चमकी बुखार चला था, यानी तमाम तरीके की इस बीमारियों का प्रकोप इस तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर वाटर लेवल की बात करें, यानी तो बहुत ही वाटर लेवल ऊपर है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी कम गहराई पर ही पानी मिल जाएगा। उसकी बात अगर हम लोग ठीक इसके दक्षिण वाले हिस्से पर करें तो ये वाला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, पर पठारी क्षेत्र है। ये जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो ये लाल मिट्टी मिलेगी, जैसा कि इंक भी लगी हुई है। अब ये जो पठारी क्षेत्र है, अगर हम इस बात करें, इसे तीन अलग अलग पठारों में बांट नामों में जान नामों से जानते हैं। एक बुंदेलखंड पठार, दूसरा भांडेरखंड पठार, और तीसरा बघेलखंड पठार। यानी कि ये जो तीन पठार हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर हैं। इनमें इनका ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, इन दोनों का इसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में है ज़्यादा, यानी ये कहने के लिए कहीं कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में कवर करते हैं, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में। तो अब जबकि ये पश्चिमी वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका रुहेलखंड का मैदान। अब जो रुहेलखंड का मैदान, मतलब बरेली से उधर वाला हिस्सा, पश्चिम वाला, अगर अब हम और पूर्वी हिस्से को यहाँ पर बोलते हैं अवध का मैदान, और ओवरऑल ये गंगा का मैदान। अब अगर हम लोग इस पूर्वी इस वाले बुंदेलखंड हिस्से को छोड़कर सब में मिट्टी मिलेगी, जलोढ़। जलोढ़ में दो पार्ट होते हैं, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ और खादर का मतलब नई जलोढ़। तो जो गंगा का जो अपर प्लेन है, यानी ऊपरी गंगा का मैदान, यहाँ पर अमूमन आपको बांगर मिट्टी दिखाई देगी, और जो कि निचले हिस्से में यानी इधर वाले हिस्से में आपको खादर मिट्टी दिखाई देगी। तो ये यूपी का कुछ एक इसका जो यानी फिजिकल फीचर की बात कर ली हम लोगों ने। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल तो जान ही लिया, पड़ोसी राज्य जान लिए, इसके भौगोलिक फीचर जान लिए मोटे तौर पर। अब इसी में अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि अगर उत्तर प्रदेश की जो आपका ये तराई क्षेत्र, नेपाल वाला एरिया, इसी तरीके से उत्तराखंड वाला, ये वाला, तो सबसे ज़्यादा अगर सीमा की बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, लगती है मध्य प्रदेश से, जो कि 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। किन किन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है तो वो देखो यहाँ पर। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, यानी किन किन राज्यों की, किन किन जिलों की सीमा लगेगी, तो मध्य प्रदेश से जो लगने वाले जिले होंगे वो आगरा एक, उसके बाद इटावा, फिर आ जाएंगे ललितपुर, झांसी, झांसी के बाद जालौन, जालौन के बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट, अलाहाबाद, कौशाम्बी, सोनभद्र। यानी सोनभद्र ये वाला, ललितपुर ये वाला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की शेयर होती है, जैसे कि जो कि हमने अभी नाम बताए। तो चाहे तो एक बार उसे फिर से रिपीट कर लेते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, अलाहाबाद, कौशाम्बी और सोनभद्र।
ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र जिला सट लगता है, इसी तरीके से झारखंड के साथ भी सोनभद्र लगता है। यानी झारखंड के साथ एक जिला, छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला है जो लगता है यूपी का, वो है सहारनपुर, और वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा अगर किसी जिले राज्य से लगती है तो वो सहारनपुर से लगती है। यानी सहारन हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से यूपी के दो जिले लगते हैं, एक मथुरा और दूसरा आगरा। इसी तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से यूपी के दो जिले लगते हैं, एक गाजियाबाद और दूसरा नोएडा। अब सिर्फ दो राज्य रह गए जिनकी बात करनी है, वो एक बिहार और दूसरा हरियाणा। तो अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में एक तो सोनभद्र लगता है, चंदौली लगता है, गाजीपुर लगता है, बलिया लगता है, देवरिया लगता है, और देवरिया के बाद लगता है महाराजगंज। यानी कि एक बार अगर हम लोग इसे फिर से रिपीट करें तो बिहार के साथ देखो, यहाँ पर ये कौन सा है, सोनभद्र, सोनभद्र के बाद फिर ये पड़ेगा आपका चंदौली, फिर गाजीपुर, बलिया, देवरिया और महाराजगंज। इतने सारे ज़िले जो हैं वो आपके लगते हैं, यानी कुल मिला के बिहार से जो ज़िले लगते हैं वो टोटल 7 ज़िले लगते हैं यूपी के, और मध्य प्रदेश से 11। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, हरियाणा से जो ज़िले लगते हैं यूपी के, सहारनपुर, शामली, बागपत, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद और नोएडा। यानी टोटल फिर से एक बार देखें कुछ गलत उसमें, तो सब जो आपका हरियाणा से जो ज़िले लगते हैं वो लगते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा। यानी कि मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये लगते हैं ज़िले आपके हरियाणा से। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ दूसरी और देखें कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला, दक्षिणी ज़िला, पूर्वी ज़िला और पश्चिमी ज़िला, अगर हम लोग बात करें ऐसे इस मैप में देख सकते हैं, सबसे उत्तर में जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी ज़िला है वो है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो है आपका सोनभद्र, सबसे पूर्वी ज़िला जो है आपका वो है बलिया, और सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो है शामली। अब ये तो हो गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले की बात करें वो है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा ज़िला है वो हापुड़ है। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ मोटे तौर पर जैसे कि राज्य की चेन क्या है, राज्य की ये सब आज बात कर लेते, फिर उसके बाद अगला वीडियो इन उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ढेर सारे पहलुओं पर बात करेंगे अगले। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य पहली भाषा है वो हिंदी और दूसरी भाषा है उर्दू। उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी राज्य भाषा का। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चिन्हों की, यानी कौन जो राजकीय की, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ का जो राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक, राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय फूल पलाश, और राजकीय नृत्य जो है वो कथक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है, और उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश से कट के जो उत्तराखंड बना वो 9 नवंबर 2000 को बना था।
यानी 9 नवंबर 2000 से पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कौन सी यानी कौन सा जिला किससे लगता है किससे नहीं लगता है इन तमाम सारे पहलुओं पर बात की। उसके बाद अगर हम लोग जैसे एक चीज़ यहाँ पर बच गई थी जो वो ये थी कि तराई में कौन कौन से ज़िले आएंगे और बुंदेलखंड हिस्से में कौन कौन से ज़िले आएंगे। तराई के अगर ज़िलों की बात करी जाए तो यहाँ पर देखते हैं आपका पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये सारे ज़िले नेपाल से भी लगते हैं। और अगर बात करें और इनमें देखा जाए तो तराई में एक गोरखपुर भी आता है। तो ये तराई वाला एरिया पूरा। बुंदेलखंड की अगर हम लोग जिलों की बात करेंगे तो बुंदेलखंड में आपका झांसी, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौसाम्बी और आपका सोनभद्र आता है। तो अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश के उद्योग, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के आपके पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन्हीं ढेर सारे पहलू इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे। उसे हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल भाग 2 के नाम से जानेंगे। धन्यवाद।